हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरी कश्मीरी फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। आज हम बनाएंगे जिंगर बर्गर की रेसिपी। चलें शुरू करते हैं। लिए हम ले रहे हैं चिकन थाइस, ठीक है। मैं ले रही हूँ 10 पीसेस। आपको जितना बनाना है आप उतनी पीसेस ले सकते हैं, ठीक है। सो हम एक बाउल में डालेंगे चिकन थाइस, ठीक है। फिर हम ऐड करेंगे 1 कप विनेगर, ठीक है। फिर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, ठीक है। फिर हम ऐड करेंगे 3 कप पानी, ठीक है। और फिर हमने इसे भिगो के रख देना है 3-4 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जल्दी से गल जाएगा, ठीक है। हमने चिकन थाइस को 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, ठीक है। और हमने इनको अच्छी तरह से ड्रेन भी होने दिया था, ठीक है। अब चलें हम इनको मसाले लगा लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, ऐड करेंगे। फिर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, ठीक है। फिर हम ऐड करेंगे 1/4 टेबलस्पून हल्दी, ठीक है। फिर हम ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, ठीक है। फिर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, ठीक है। आप जिंजर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने पेस्ट ऐड किया, ठीक है। अब हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने, ठीक है। हमने मसाले को अच्छे से चिकन थाइस को लगा लेना है, ठीक है। देखिए, हमने चिकन थाइस को अच्छे से मसाला लगा लिया, ठीक है। अब हमने इसे फ्रिज के अंदर रख देना है मैरिनेट होने के लिए, ओवरनाइट के लिए। अब हम सॉस बना लेंगे, ठीक है, जिंगर बर्गर के लिए। उसके लिए हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून मेयोनीज, ठीक है। फिर हम ऐड करेंगे 3 या 4 टेबलस्पून टमाटो केचप, ठीक है। और फिर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखिए, हमारी सॉस रेडी है। देखें, चिकन थाइस अच्छे से मैरिनेट हो गई हैं, ठीक है। हमने इनको ओवरनाइट के लिए रखा था मैरिनेट होने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम मैदा ले लेंगे। इसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है। अब हम एक पीस चिकन थाई का ले लेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम डिप कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे करके हमने इसके ऊपर आटा जो है मैदा वो ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसे स्लोली, बड़े आराम से, प्यार से हम इसे ऐसे प्रेस करेंगे नीचे, ठीक है। ऐसे ही हमने फिर इसकी साइड चेंज कर लेनी है, ठीक है। और दोबारा से हम इसके ऊपर मैदा ऐसे लगाएंगे, ठीक है, और ऐसे प्रेस करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसे बड़े आराम से ऐसे दबा लेंगे, ठीक है। चिकन को हमने आराम से करना है, ठीक है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, क्योंकि चिकन फट भी सकता है, क्योंकि हमने इसे विनेगर के अंदर रख दिया था, ठीक है। और जैसे हम आटा नहीं गूंथते, वैसे ही बड़े आराम से, प्यार से हमने इसे ऐसे गूंद लेना है, ठीक है। हम इसे 1 मिनट के लिए करेंगे ऐसा। अब हमने चिकन थाई को ठंडे पानी के अंदर डिप कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, क्रम्स अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। अब दोबारा से हमने इसे मैदे के अंदर डिप कर लेना है, ठीक है। और हमने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब हम चिकन थाइस को फ्राई कर लेंगे, ठीक है, और ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठीक है। अब हम चिकन थाइस इसके अंदर ऐड करेंगे। चिकन थाइस ऐड करने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर लेना है, ठीक है, और हमने दोनों साइड को फ्राई करना है 3 या 4 मिनट तक, ठीक है।
देखें एक साइड अच्छे से फ्राई हो चुकी है, ठीक है। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे, ठीक है। और दोबारा से हमने दूसरी साइड को 3 या 4 मिनट तक फ्राई होने देना है, ठीक है। देखें जब इनका कलर अच्छे से गोल्डन हो जाए तो इसका मतलब है हमारी चिकन थाइस रेडी हैं, ठीक है। अब हम इनको निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने बन को टोस्ट कर लेना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी से टोस्ट कर लिया है, ठीक है। जो हमने सॉस बनाई है वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे, ठीक है। अब हम गोभी के पत्ते इसके ऊपर ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब लेटस भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने चिकन थाई इसके ऊपर रखना है, ठीक है। अगर चिकन थाई बड़ी है आप इसे कट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर दूसरा बन ऐड करेंगे और माशाल्लाह देखें हमारे जिंगर बर्गर रेडी हैं। और आज के लिए इतना ही सही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।